है हम अपना जैसे इकोनॉमिक हमारा कौन है जो यहाँ फाइनेंस के स्टूडेंट बैठे होंगे फाइनेंस के प्रोफेसर बैठे हैं इंडस्ट्रियलिस्ट बैठे हैं वो अपना काम तो करते हैं लेकिन बहुत सारी जगह ऐसा देखा गया है कि वो दूसरे सब्जेक्ट्स में रुचि लेने लगते हैं तो जो मेन फोकस है वो हट जाता है तो स्वामी जी का जो ये कथन है जो उन्होंने कहा वो पहले भी सत्य था आज भी सत्य है और आने वाले समय भी सत्य होगा और अगर उसको हम फोकस करें उनकी लाइनों का अर्थ समझें तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा हम लोग के लिए लैंडमार्क एक थॉट है जिसको कि हम लोग अपने जीवन में ला सकते हैं। यहाँ बहुत मेरे से विद्वान प्रोफेसर बैठे हैं इसलिए मैं सब्जेक्ट पे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं बोल पा रहा हूँ क्योंकि वो लोग जो आने वाला समय आपका है सेमिनार का पूरे दिन वो ज़्यादा बेहतर आपको बता सकते हैं। फिर भी मैं इतना जरूर कहूँगा कि जो भी करो अपनी पूरी ताकत के साथ करो और निश्चित जानिए कि सफलता आपके कदम जरूर चूमेगी। बहुत बहुत धन्यवाद शिशिर जी को और उनकी पूरी टीम को टॉपिक चुनने के लिए बहुत बहुत बधाई। सभी फैकल्टी मेंबर्स को बहुत बहुत बधाई जिन्होंने इसको चुना और मैं जानता हूँ कि कितनी मेहनत इस तरह के प्रोग्राम्स में फैकल्टी मेंबर्स करते हैं दिन रात लगे रहते हैं। आप सबको भी बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। जय हिंद जय भारत। जयपुरिया इंस्टीट्यूट के चेयरमैन सम्मान्य शिशिर जी, संसद में मेरे साथी मित्र श्रीमान अनिल अग्रवाल जी, इंडोनेशिया से आई हुई डॉक्टर हटनैर तथा इस इंस्टीट्यूट के निदेशक डॉक्टर जी, सभी फैकल्टी बाहर से आए हुए अतिथिगण तथा भारतीय रोबोट व्यवस्था में भविष्य में अपने योगदान को पूरी तौर पर देने वाले मित्रों, एक अच्छी भाषा आप सभी लोग दिन में करने वाले हो। मैं तो अपनी एक भाषा छोड़ करके आया हूँ राजस्थान से और आपके साथ शेयर करके फिर वहीं जा करके अपने उस बहस में लग जाऊंगा। लेकिन मुझे लगा कि जयपुरिया जिसका नाम हम लोग बहुत दिन से सुनते चले आ रहे हैं बचपन से, इंडस्ट्री के नाम के रूप में इंडस्ट्रीज के रूप में आज ये देखें कि एजुकेशन के रूप में क्या स्थिति है। वो तो तब देख पाऊंगा जब मुझे पूरे दिन के आपके बहस के खाके मिलेंगे और क्या आप लोगों ने डिस्कस किया, उस डिस्कस में आया क्या, यह जानेंगे। लेकिन केंद्र बिंदु भारत ही होगा। आज अगर हम विचार करें तो विश्व की सर्वाधिक वृद्धि की अर्थव्यवस्था का नाम अगर कोई है तो भारत।
अभी कुछ दिन पहले जब अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों ने अपनी रिपोर्ट दिया तो शिशिर जी जब बोल रहे थे तो नंबर्स वो नहीं आए थे जहां भारत पहले था, सौ की स्थिति में समय नंबर पर भारत इज़ डूइंग बिजनेस में था और आज 77 नंबर पर भारत आकर के यहां खड़ा है। हमारे लिए वो बड़ा विचित्र था, इकोनॉमिस्ट के लिए बड़ा वो था, बैंकर्स के लिए बहुत ये था। जब इस देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि जनधन खाते खोलो, जनधन खाते खोलने की बात वैसे तो आप लोगों के पास, सभी के पास, बैंक के पास वो होंगे, लेकिन इस देश में अनेक ऐसे लोग रहे जिन्होंने बैंक के पासबुक को कौन कहे, बैंक के भवन तक को नहीं देखा, और उनके सामने जाकर के कहा जाए कि बैंक का पासबुक खोलो, बैंक में अपने खाते खोलो, तो एक बार अजीब सी स्थिति आई बैंकर्स के सामने भी, हमें तो गांव में जाना पड़ेगा। वो तो ठीक था, लेकिन जब उनसे ये कहा कि जीरो बैलेंस पर खाते खोलने हैं, तो एक अजीब सी स्थिति है, वो भी चौंके कि जीरो बैलेंस। अब तो अभी तक कोई दो जमानतदार लेते थे, पैसे जमा कराते थे तब खाते खोलते थे, ये जीरो बैलेंस, बड़े दमीन साहब जीरो बैलेंस। लेकिन साहस हो तो उसको किया जा सकता है, और जब वो खाते खुलने की स्थिति आई उसके पहले लोगों ने कमेंट शुरू कर दिए थे। लोगों ने कहा कि क्या ये देश में एक नई संस्कृति आ रही है क्या, कि बैंकों के लिए कौन सा खाता होता है जो जीरो बैलेंस का होता है, लेकिन खाते खुले और नंबर ऑफ द अकाउंट्स बताया था सीसी जी ने, वो 30 आपने बताया था, लेकिन एक्चुअली दिस टाइम नॉट 30 बट 33 करोड़ जनधन खाते, 33 करोड़ आज खुल चुके हैं, और जिसमें एक भी नया पैसा जमा किए बिना खाते खुले थे, आज 87,000 करोड़ रुपए उसमें जमा है, 87,000 करोड़ रुपए उस खाते में जमा है जो जीरो बैलेंस से खुले थे। हम अनिल जी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री की सोच, वास्तविकता यही है कि नौकरी इसमें बैठे हुए सभी लोग नहीं पा सकते, नौकरी देने वाले बन सकते हैं, और मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि पूरी तौर पर इकोनॉमी का मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि पूरी तौर पर इंडस्ट्री का मैनेजमेंट करो, मैनेजमेंट का मतलब यह होता है कि सबसे पहले अपने घर का मैनेजमेंट करो। तो स्वाभाविक रूप से ये कि सभी को नौकरी नहीं मिल सकती है, यह बात ये भी कही, लेकिन उन्होंने एक बात है कि हम 2 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम करेंगे। आज भी पार्लियामेंट में इस बात के सवाल उठते हैं कि कहां गए वो जो रोजगार देने की बात कही थी, तो उसका सबूत तो दे रहे हमने तो रोजगार दिया,
नौकरी की बात तो हो सकती है, जो अभी मैंने कहा है कि सभी लोगों को नौकरी नहीं दी जा सकती है, लेकिन नौकरी देने वाला बन सकते हैं। हमने जो किया नौकरी भी दिया, आज अकेले उत्तर प्रदेश में शिक्षा विभाग से लेकर के और लेकर लाखों लोगों को नौकरी मिली। लेकिन जो शुरुआत प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत ने किया, मुद्रा योजना, अकेले मुद्रा योजना के द्वारा हमने 13 करोड़ लोगों को रोजगार देने का काम किया। 13 करोड़, हमारा लक्ष्य था 2 करोड़। इस शासन को अभी करते हुए हुआ 4.5 वर्ष, 4.5 वर्ष में हुआ, अगर 2 के हिसाब से जोड़ा तो 9 करोड़, और 4.5 वर्ष जब तक 5 हो जाएगा तब क्या होगा नहीं जानता हूं। आज की स्थिति में स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर ऐसे मैंने 13 करोड़ लोगों को रोजगार दिया, भारत के लोगों ने दिया, मुद्रा योजना के द्वारा दिया। कैटेगराइज है उसमें, कृषि लोन है और लेने के बाद जो है उन लोग लेकर के आज 13 करोड़ लोग रोजगार में लगे। और उन्होंने भी जो थोड़े जिन लोगों ने 5 लाख का लोन लिया उससे ऊपर का लिया, उन्होंने अपने यहां नौकरी भी दिया। 50,000 देने वाले नहीं नौकरी दे पाएंगे, 2 लाख लेने वाले नहीं दे पाएंगे, लेकिन 5 लाख 10 लाख दिए तो बिना किसी एक को रखे वो काम उनका नहीं चल सकता है, उन्होंने नौकरी देने का काम किया। ये जो संस्कृति विकसित किया प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री ने, अरुण जेटली ने, वही आज आकर के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की स्थिति को हमको समय पायदान से लेकर के 77वें पर ला करके खड़ा कर दिया है, जिससे भारत की नीति की सराहना होती है। ये डिस्कशन का विषय है। हम 17-18 में इस देश में जीडीपी की स्थिति 6.6 थी, आज जब पिछली तिमाही की स्थिति आई तो भारत की जो अर्थव्यवस्था की स्थिति हुई, जीडीपी की स्थिति हुई, वो 8.2 रही। अब ये जो जीडीपी की स्थिति रही, भारत के विकास की जो गति आई, इसके नाते आज पूरे विश्व में भारत, जब शिशिर जी कह रहे थे फिफ्थ, अभिमान करके चलते हैं कि 2022 तो नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि 2025 तक आते आते भारत निश्चित रूप से तीसरे पायदान पर विश्व की वह शक्ति बन करके रहेगा, जो आर्थिक दृष्टि से यह कहा जा सकता है कि भारत आज शिखर पर है, तीसरे पायदान, आज पांचवें की स्थिति पे है, उसमें भी हमने छलांग लगाया। तो आज जो अब उस समय डिमोनेटाइजेशन की स्थिति में चर्चा होती थी, आज भी होती है, सारे तो फेल कर गई, इतने लाख रुपए करोड़ रुपए आकर के जो है बैंकों में जमा हो गए। हमारी तो सोच यही थी जो पैसे तिजोरियों में बंद है आकर के बैंकों में आ जाए, देश की अर्थव्यवस्था के साथ जुड़ जाए, विदेश से आने वाले धन पर तो हमें वहां के कानूनों के आधार पर बात करना पड़ेगा, लेकिन भारत में क्या